नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लग सरकारी नौकरी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं और ये देश छोड़ चुके हैं, कारण कि वहाँ पर जो है तालिबान जो है कब्जा करते जा रहा है, देश पर आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, और जिससे कि वह काबुल, कंधार सभी जगह करते हुए 34 में से 22 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। अप्रोक्स मोस्ट अधिक से अधिक कब्जा कर लिया है, जिससे कि वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ना पड़ा है और ये तजाकिस्तान भाग चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया गया है। हर जगह अफरा तफरी है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। अपने ऐसी स्थिति देखी जैसे बसों और ट्रेनों में लोग खचाखच भीड़ होकर आती थी, वैसे हालात जो है हवाई जहाज़ों में देखने को मिल रहे हैं, एयर में, और लोग ऊपर से गिर रहे हैं। हाल ही में भयानक चित्र आई देखने को, जिसमें हेलीकॉप्टर से लोग गिर रहे हैं, वह बड़े बड़े जो है ठूस ठूस के उसमें प्लेनों में लोग आ रहे हैं और विभिन्न देशों में जो है शरणार्थी के तौर पर पहुंच रहे हैं अन्य जगह। ऐसा ही मामला भारत में भी आया, बहुत सारे लोग आए हैं शरणार्थी। भारत ने भी अपना वहाँ पे जो एम्बेसडर, राजदूत था, आवास वहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन तालिबान के लोगों के द्वारा बताया गया है कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं की जाएगी, आप लोग बेवजह परेशान ना हो और देश छोड़कर नहीं भागें। यह सब तभी हुआ है जब अमेरिका अपनी जब सेना हटाने की बात कही है अप्रैल में, और तब से यह जो है आक्रामक रवैया स्टार्ट हुआ है, और जिसमें कि तालिबान को बढ़त मिली है और तालिबान जो है वहाँ पे सत्ता पर अब लगभग 100% काबिज हो जाएगी। अब देखना आगे है कि क्या इसमें अन्य देश या संयुक्त राष्ट्र ये सब क्या करते हैं, क्या नई चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू, आने वाले दिनों में इन सभी से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।